व्हाट इज दिस? जब मैंने आपको कहा था कि उनको साफ साफ बता दीजिएगा कि अपने रिसेप्शन के ड्रेस में अपनी मर्जी से चूज करूंगी। नवाल मेरी जान, मैंने उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। और वैसे भी निकाह का ड्रेस तो तुम खुद सेलेक्ट कर रही हो ना, डिजाइनर से जाके बात कर ली है ना तुमने। देखो निवाल, तुम जानती हो कि वो अच्छे खासे कंजर्वेटिव लोग हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मर्जी चलाई, मेरी बात नहीं मानी। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव हैं वो लोग। हाँ है तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, लेकिन फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? जुहेब तो अच्छा रोशन ख्याल है और आजाद दिमाग का मालिक है, तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी तो तुम्हें अपने मियाँ के साथ गुजारनी है। क्या खाक रोशन ख्याल है? जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। तो तुम बात कर लो उससे, उसे इनवाइट करो और जाके तुम दोनों कहीं डिनर करो, कॉल करके बात करो उससे। मैं उसे कॉल करूंगी? नो वे। तो उसमें हर्ज क्या है? अगर तुमने पहल कर ली तो क्या तुम छोटी पड़ जाओगी? नो मामा, एंड आपको पता है मुझे लगता है कि उसे इस शादी की कोई भी खुशी और एक्साइटमेंट नहीं है। देखो नवाल, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है ना, हो सकता है वो शर्मा रहा हो। शर्मीले मर्द तो मुझे वैसे ही जहर लगता है। तो फिर शादी के बाद बदल देना उसे। तुमने देखा नहीं मैंने तुम्हारे पापा को किस तरह बदला है? मेरे इशारों पर चलते हैं, मैं कहती हूँ सुबह है तो सुबह है, रात है तो रात, और सोचते भी मेरे दिमाग से। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जुहेब को अपनी मर्जी से चलाना तुम। आप लोगों की बात डिफरेंट है, बट वी आर वेरी डिफरेंट। बहुत मुश्किल काम है ये। क्या हो गया है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कुछ मुश्किल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो।